जितेंद्र बाबू आज अपने ससुराल जा रहे थे। जून का महीना था, बरसात की शुरुआत थी। इसी समय बंगालियों का एक खास त्योहार होता है जमाई षष्ठी, जिसमें जमाई की बड़ी खातिरदारी की जाती है। अतः यही खातिरदारी लेने के लिए वे ससुराल की ओर निकल चले थे, साथ में थी पत्नी। उनकी ससुराल हाथीडांड शहर से थोड़ी दूरी पर थी, जहां जाने का एकमात्र साधन था नाव, क्योंकि बीच में पड़ती थी एक बड़ी नदी और उस पर अभी पुल नहीं बना था। शहर ज्यादा दूर तो नहीं था, मगर यह नदी बड़ी मुश्किल पैदा करती थी। स्टेशन पर उतरते ही जितेंद्र बाबू का मन थोड़ा सा खट्टा हो गया, क्योंकि ससुराल के लोगों ने कहा था उन्हें लेने के लिए कुछ लोग वहां रहेंगे, मगर स्टेशन पर कोई भी नहीं था। ऊपर से सवेरे से बारिश हो रही थी, ट्रेन भी लेट हो गई थी और कुछ हद तक अंधेरा भी होने लगा था, अतः नदी पार करना थोड़ा तो मुश्किल हो गया था। दोनों पत्नी पत्नी पहुंच गए स्टेशन मास्टर साहब के कमरे में। मास्टर साहब उनके ससुर जी को काफी अच्छी तरह से पहचानते थे, अतः उन्होंने तुरंत ही कहा, अरे बताइए तो, सवेरे को आने वाली ट्रेन अभी आई, आपके ससुराल के लोग आठ आठ यही बैठे थे मेरे पास, अभी थोड़ी देर पहले गए हैं, अंधेरा गिर रहा था, नदी पार कैसे करते हैं, कल सवेरे आएंगे आप लोगों को लेने, तब तक आप मेरा आतिथ्य ग्रहण करें, मेरे क्वार्टर पर चले, मेरी पत्नी बड़ा अच्छा खाना पकाती है, उसके हाथों से भोजन ग्रहण करें। ठीक है, ससुराल में जमाई को जो सुख वो नहीं मिलेगा, मगर रात भर की बात है, फिर सवेरे चले जाइएगा। मगर मेरी पत्नी बोल पड़ी, नहीं नहीं कुछ ही दूर तो चलना है, वो शिबू मांझी मेरे पहचान का है, वहां तक पहुंचकर मैं उससे बोल दूंगी, वो नदी पार करा देगा, चलो निकलते हैं। बेटी का मन मायके के पास आकर पहुंचे बिना नहीं मान रहा है, मगर बेटी थोड़ी मुश्किल तो होगी, देखो बारिश तो वैसे रुक गई है, मगर तभी वो दूसरी बात बोल पड़े, अरे मजूमदार साहब आइए आइए, अब आप लोग इनके साथ चले जाइए, अब निरापद है, असली में इधर चोर उचक्कों का बड़ा आतंक शुरू हुआ था, बेटी ने भी कुछ गहने पहन रखे हैं, इसलिए मैं डर रहा था, मजूमदार साहब यहाँ के हवलदार हैं, इनके रहते कोई चिंता नहीं। अचानक एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति हमारे पास आकर खड़ा हो गया। नमस्कार नमस्कार, कौन है ये? जी वो भुवन बाबू के जवाई। मेरे ससुर जी का नाम यही था और बहुत प्रसिद्ध था। ओहो भुवन बाबू के जवाई, नमस्कार नमस्कार, कहाँ चल रहा है गाँव? जी चलिए चलिए, मगर बेटी को चलने में तकलीफ तो ना होगी? मैं गांव की लड़की हूँ, कई कई कोस चल सकती हूँ, कोई तकलीफ नहीं होगी, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब तो चलिए चलिए। अब थोड़ा मौसम ने भी हमारा साथ दिया था, आसमान से बादल छट गए थे और चांद निकल आया था, अतः हम तीनों पैदल चले जा रहे थे। मजुमदार साहब के पास थी उनकी साइकिल। मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछा, कहाँ गए थे आप? यही पास के गांव में कुछ लफड़ा हो गया था, रिपोर्ट लिखने। टॉर्च की रोशनी में वो हमें लिए चले जा रहे थे, बीच बीच में कहते जाते थे, देखिएगा उधर कीचड़ है, ये पानी है उधर बच के। अचानक दूर से लालटेन की रोशनी दिखी, वे बोल पड़े, देखिए पाचू भी आ गया। पाचू है तो 5,000 रुपए महीने सरकारी कर्मचारी, मगर बड़ी लगन से अपना काम करता है। क्यों भाई पाचू? अरे मजुमदार साहब आप भी? आप भी से क्या मतलब, मुझे लेने नहीं आया? नहीं नहीं, मैं तो जमाई बाबू और बेटिया को लेने आया, इनके घर के लोगों ने मुझसे कहा था ये आ रहे, इन्हें नदी पार पहुँचा दूं। वे थोड़ा सा खिंच गए, खड़े खड़े देख रहा, कुटिया के हाथों से सामान ले, देख नहीं रहा बोझ उठाए हुए। अब पांचू ने हमारा सामान अपने कंधे पर रख लिया,
हम चारों नदी के किनारे पहुंच गए, मगर वहां न तो नाव थी न ही माझी। पास ही एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें वो रहता था, मगर वो भी खाली थी। पांचों ने कहा, लगता है वो अपने घर चला गया है, कोई आएगा नहीं सोचा होगा, मगर उसे बुलाए कैसे, उसका घर तो जंगल के उस पार है। पांचों तो ही नाव चला। क्या बात करते हैं मालिक, याद नहीं उस बार क्या हुआ था, मैंने नाव चलाया था, मुझे नाव चलाना थोड़ी आता है। अचानक मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। और आसमान में बादल घिरा, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने लगी। हम चारों माझी की कुटिया में बैठ गए, मगर जैसी पानी तेज हुआ उसकी छत चूहने लगी। पांचू ने हमसे कहा, फौला साहब क्यों ना ठाकुर साहब की हवेली की तरफ चले। बकवास मत कर, पास ही में ठाकुर की हवेली है। एक समय जब जमींदारी प्रथा थी तो हवेली बड़ी शान शौकत से चलती थी, मगर धीरे धीरे जमींदारी प्रथा भी खत्म हो गई और ठाकुर भी यहां से चले गए। अब वो घर खंडहर है, कहते हैं प्रकृति सुनसान नहीं रहती, सो झाड़ पेड़ उगकर जंगल उठाया है। मगर हाँ, देखने लायक एक चीज वहां है, आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना वो पंचक्की, एक समय वहां बनाई गई थी, कुएं से पानी खींचकर नहर से बगान को सींचने के लिए। 20 फीट ऊंची पंचक्की और उसके सिर पर लगे 3 ब्लेड हवा से गोल गोल घूमते और मशीनरी पानी कुएं से बाहर निकालती, मगर वक्त के साथ 2 ब्लेड गिर गए, 1 ब्लेड ही टिकी हुई है, मगर वो जगह थोड़ी ठीक नहीं है, अब कुछ कुछ सुनने में आता है, इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। अरे मगर साहब, पिछले कुछ दिनों से वहाँ एक साधु आकर ठहरा है, कहते हैं बहुत सिद्ध है, माँ काली की पूजा करता है, अब वहाँ कोई डर नहीं है। ऐसा बोल रहा है? हाँ हाँ। चलो चले। अब हम चारों उस ओर चल पड़े। बारिश तेज हो गई थी तो उस झोपड़ी में रुकना मुश्किल था। जंगल से टॉर्च की रोशनी में खुरेते हुए हम एक कमरे पर आ पहुंचे। आसपास खंडहर जैसा माहौल था, ये कमरा थोड़ा ठीक था। तभी मेरे कानों में कुछ आवाज पड़ी, ये थी उस पंचक्की की आवाज। अब हम चारों कमरे के अंदर थे। मजुमदार साहब ने टॉर्च की रोशनी में पहले कमरा अंदर से देखा, फिर कहा, आइए सब ठीक है। एक कोने में मैं और मेरी पत्नी बैठ गए, एक कोने में मजुमदार साहब। दरवाजे के पास पांचू बैठा था, पानी के हल्के छींटों को सहता हुआ। उस ओर माँ काली की मूर्ति, त्रिशूल, सिंदूर वगैरह रखे थे जो साधु के होने की निशानी थे। असली वे पास ही में शमशान भी है और कुछ कुछ यहाँ ऐसा हुआ है इसलिए लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर पत्नी अब मुझसे सटकर बैठ गई। अचानक बाहर कुछ आवाज हुआ और फिर कदमों की आवाज आई। मजुमदार साहब बाहर की ओर दौड़ पड़े, ओए कोलक कोलक। मैंने कहा, ये कहाँ गई है? पांचू बोला, हमारे मजुमदार साहब चोरों के नाक में दम करके रखा है, अभी आवाज सुनी ना, लगता है उन्हें कुछ दिख गया, खोजने गए होंगे, बिल्ली की आंख है, अभी पकड़ कर लाते होंगे किसी को। मैं थोड़ा सा डरा चोर की बात सुनकर, क्योंकि पत्नी के गहने वगैरह मुझे थोड़े परेशान कर रहे थे। हम बैठे हुए थे कि अभी तक मजुमदार साहब नहीं आए। मैंने पांचों से कहा, वो अभी तक आए नहीं? अरे साहब क्या कहूँ, उन्हें समझाना भी बेकार है, यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि अकेले घुमा जाए, मगर अकेले चले गए। माहौल? तुम भूत प्रेत की बातें कर रहे हो। साहब नाम मत लो, आसपास शमशान है, कोई आ गया तो
पत्नी बोल पड़ी, इसे चुप करने कहो तो, कैसी कैसी बातें कर रहा है, सब का दिमाग खराब कर देगा। तभी पाचू चीख पड़ा, अरे बाप रे, और बाहर अंधेरे में विलीन हो गया। मैंने कहा, पाचू कहां गए? कमरे में एक दबी हंसी आई। मुझे देख कर भाग गया होगा। कौन? मैं, वही जिसका ये कमरा है। ओ साधु महाराज। साधु कहो या चोर कहो, सभी है। उसकी आवाज से पता चला कि वो कमरे के कोने में बैठ गया था। पत्नी अब बिल्कुल मुझसे सटकर बैठी हुई थी। मैंने कहा, आप है कौन? चोर हैं। बिटिया बैठी है करके अपने बारे में बताने में शर्माती है। अच्छा, काम करने में शर्म नहीं आती है, बताने में शर्माती है। मैं सीतू चोर हूँ, लोगों के घरों में चोरी करता था। अवलदार साहब की जनजन ने मुझे पहचान लिया, जंगल में उस ओर तक भाग कर गया। मेरी नकली दाढ़ी मूछ सब उन्होंने रख ली, अकेले ही आवाज आना पड़ा। मगर बिटिया इस तरह सटकर क्यों बैठी है? अंधेरे में उस आदमी ने सब कुछ देख लिया। मैं आश्चर्यचकित था, मगर अगले ही पल जो हुआ वो आश्चर्य और बढ़ाने वाला था। मेरी पत्नी की आवाज कुछ बदली सी आई, कौन बिटिया, कौन पत्नी? मैं तो मंगला हूँ। मंगला, मंगला मेरी बेटी। मंगला, मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी बेहोश हो गई मुझे देखकर, मैं तुझे जकड़ कर बैठी थी। कौन मंगला, तुम हो कौन? ऐसे तो चोर की बेटी हूँ, कभी ने कभी मुझे सुख नहीं दिया। अपने प्रेमी के साथ मैं शहर भाग गई थी, पर उसने भी मुझे धोखा दिया। अंत में मैंने पॉलीडोल का आत्महत्या कर ली। अरे मंगला, तू मर गई है, मुझे बताया क्यों नहीं बेटी? उससे मिलने क्यों नहीं आई? आए आए, मैं भी जी के क्या करूँगा? कहता हुआ वो बाहर की ओर भागा, और मेरे पास बैठी जो भी थी वो भी बाहर की ओर चली गई। अचानक मैं पत्नी के पास गया, उसे झकझोरा, क्या हो गया था तुम्हें? पता नहीं, हमारे बीच कोई आकर बैठी, मैं डर के मारे बेहोश हो गई थी। कोई मंगला थी? मंगला? ओह, वो तो सीतू चोर की बेटी थी। सुना था फरीडल खाकर उसे आत्महत्या की थी, मगर ये सीतू चोर भी तो उसके दुख में आत्महत्या कर लिया था, फिर वो यहाँ। तभी बाहर मजुमदार साहब की आवाज आई, अरे साहब बाहर तो आइए, देखिए तो पंचक्की कितनी सुंदर दिख रही है। मैं बाहर की ओर चल पड़ा। अचानक पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, वो अभिशप्त है, उसे नहीं देखते हैं। तभी पाचू की आवाज आई, अरे मालिक कब आ गए? मैं तो डर गया था, वो सीतू चोर आया था, मैं उसे देखकर भाग गया था। अब उधर गया, चलिए पकड़ते उसे। हाँ हाँ चलो पकड़ते हैं। अपनी साइकिल तो ले ले, मैं अपनी लालटेन ले लेता हूँ। अगर मालिक आपकी लाश तो उधर दलदल में फंसी है ना? हाँ, सीतू चोर का पीछा करते करते अंधेरे में दलदल में फंस गया था, वही मर गया। तो लाश का क्या करेंगे? अरे लाश को पड़े रहन दो, जिंदा लोग जब आएंगे ले जाएंगे, हमें उससे क्या, हम तो अपने काम पे लगे। कहते हुए दोनों अपने अपने सामान लेकर ऐसे चले गए जैसे हम वहां है ही नहीं। मैंने पत्नी से कहा, चल चल चलो यहाँ से जल्दी जल्दी। हाँ हाँ चलिए। हम दोनों तेज कदमों से अंधेरे में ही उस ओर बढ़ चले थे। तभी पीछे से कुछ आवाजें आई, कौन है, कौन है? अरे ठाकुर साहब, आप इधर? हाँ, बहुत शोर सुनाई दिया तो मैंने कहा मेरी प्रॉपर्टी में कौन घुस आया है, इसलिए इधर आया था, वो सीतू चोर। अच्छा, इधर क्या, उधर रोको, मैं उसे बताता हूँ। अरे ये ठाकुर साहब भी बड़े अजीब है, अंधेरे में उधर जा रहे, मरेंगे, हमारा साथ तो ले लेते। ठाकुर साहब जिनकी मौत 1972 में हो चुकी, वो यहाँ?
मैंने पत्नी का हाथ पकड़कर और तेज कदम बढ़ा दिए। अब प्रकृति ने थोड़ा सा साथ दिया था कि चांद की रोशनी निकल आई थी। हम किसी तरह चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे, तभी मेरी नजर पड़ी अंधेरे में तन कर खड़े हुए उस पंचक्की पर, जो तेज हवा से एक ही ब्लेड के द्वारा गोल गोल घूम रहा था। पत्नी ने मेरी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, मत देखो उधर, नहीं देखते उधर, देखा नहीं क्या था हमारे पीछे? अभी ये जगह बहुत अभिशप्त है, चलो निकलो यहाँ से।